हटे, आप जाने दें मुझे अंदर। सर जी मैंने मना किया, जबरदस्ती चली आई। बोले बीबी। क्या मैं जान सकती हूँ मास्टर साहब को आपने लॉकअप क्यों किया है? हफ्ते बेजा में रखा है उन्होंने एक बच्ची को। दरख्वास्त है हमारे पास उनके खिलाफ। बच्ची को? किस बच्ची को? क्या नाम है उस बच्ची का? नाम क्या नाम है? हाँ अरीज नाम है उस बच्ची का। अरीज? अरीज मेरी बेटी है। और जिनको आपने लॉकअप किया है वो मेरे अब्बा हैं। इस बात का तो पता तब चलेगा ना जब इंक्वायरी होगी। और इंक्वायरी करना हमारा काम है, आपका नहीं। क्या मैं जान सकती हूँ कि हमारे खिलाफ एप्लीकेशन किसने दी है? जाओ बीबी जाओ, बाहर जाकर बैठो। मुझे अपना काम करने दो, जाओ इन्हें ले जाओ। लेके जाओ इन्हें, बाहर बिठाओ। चलो बीबी। छोड़े मुझे, हाथ नहीं लगाइएगा मुझे। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरे अब्बा को लॉकअप क्यों किया है आपने? और ये जानना मेरा हक है। उन्हें आपने घर से गिरफ्तार किया है और अभी आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई। तो जब आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई तो मेरे अब्बा लॉकअप में बंद क्यों हैं? और ये भी जानना मेरा हक बनता है कि हमारे खिलाफ एप्लीकेशन किसने दी है? देखिए बीबी, ये पुलिस स्टेशन है, और मैं यहां पर SHO हूं, या जो भी होता है वो हमारी मर्जी से होता है। बाकी रही आपके हक की बात, वो आपको मिल जाएगा। अभी आप जाए और बाहर जाकर बैठे। आप अभी तक गई क्यों नहीं? अरे तुम क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? अरे ले जाओ इसे बाहर, बिठाओ। चलें बीबी। छोड़े मेरा हाथ। बीबी यहां आराम से बैठ जाओ और दोबारा यहां से उठने की कोशिश नहीं करना। मौला बख्श जी, ध्यान रखना इसका। जी मैडम। ऑफिस में ना आए।
अगर हमें अरीज को हासिल करना है तो हमें पुलिस से मदद लेनी ही होगी, वरना सलमान तो हमें अरीज कभी नहीं देगा। बहुत जिद्दी है। नहीं मेरीन बहन, हमें पुलिस में नहीं जाना चाहिए। क्यों मास्टर साहब? मास्टर साहब, इसमें क्या बुराई है? सब जानते हैं कि सलमान एक जिद्दी और जुनूनी सा लड़का है। हमारी पुलिस रिपोर्ट से वो गुस्से में आ जाएगा। लेकिन इस तरह हमें अरीफ तो मिल जाएगी ना? आपकी बात ठीक है मेरीन बहन, लेकिन अपनी नाकामी की सूरत में वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सलमान इस हद तक भी गिर सकता है?